अस्सलामुअलैकुम गाइस, ये मैं कश्मीर में आया हूँ। ये शारदा है कश्मीर में, किरान से आगे। और यहाँ पे बेसिकली मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जो सिविक है रिबॉन, वो बेसिकली आ जाती है। बेसिकली ये मंथ है अप्रैल है, एंड आई गेस 20 अप्रैल के करीब आज डेट है। स्नो नहीं है यहाँ पे, आगे केल में होगी स्नो, आगे केल तक नहीं जाएगी शारदा से। बट स्टिल यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि करोला वगैरह इतनी नहीं लग रही थी नीचे, सिविक स्टिल लग जाती थी। तो अगर चार बंदे बैठे हों बीच में तो बाकी तीन को उतरना पड़ता है अगर कहीं पे ज़्यादा ऊंचा बीच में पत्थर आ जाए। ऑल एल्स रस्ते ठीक है, किरान तक ठीक है, कारपेट रोड्स टाइप हैं और बीच में कुछ पैचेस बन रहे हैं। और किरान टू शारदा जो है वो इस वक्त जो सिचुएशन है वहाँ पे कि वो तकरीबन सारे ही बनने वाला है, और बिल्कुल 5, 10, 20 की स्पीड हो, 20 की स्पीड मुश्किल से, सिविक पे 10 की स्पीड, 15 की स्पीड। करोला में आप 20-25 की स्पीड कर सकते हो, बिकॉज़ उसकी सस्पेंशन जो है वो बेयर कर लेती है और वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी। एंड गाइस, इसके अलावा ना क्या हुआ था कि नीचे से जो इसका एक प्लास्टिक का मैट होता है वो उतर गया था एक जगह से, नीचे ना काफ़ी लग गई थी। उसको फिर हमने ये से बांध लिया था। अपनी जगह पर स्टेबल है। हाउएवर बम्पर वगैरह आगे से बिल्कुल नहीं लगा कहीं पे, और पत्थर वगैरह फिल वक्त तो बड़े नहीं थे, जो कोई ऊपर से गिरे भी थे तो क्रेन्स वगैरह काम कर रहे थे, उनको हटा रहे थे। बाकी इसके अलावा जो एयर बर्थ होगी, रीबर्थ होगी, आई डोंट थिंक कि उनको लाना चाहिए, बिकॉज़ वो इससे ज़्यादा नाजुक है रिबॉन से। एंड रीबर्थ जो आजकल मॉडल चल रहा है सिविक का, वो इससे भी ज़्यादा नीचे है, तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आया हुआ था। हाउएवर मैंने यहाँ पे काफ़ी एक दो तीन होंडा सिटी भी देखी है, होंडा सिटी आई भी थी, बट करोला इज़ अ बेटर चॉइस। बट अगर आपके पास होंडा सिटी है, होंडा सिविक रिबॉन है, तो आप उसको स्टिल लाने का ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सफ़र आपका थोड़ा स्लो हो जाएगा। और बाकी इट्स ओके, क्योंकि आप अगर गाड़ी रेंट करवाएं तो वो ज़्यादा थोड़ा काम बुरा हो जाता है। बाकी इट्स ऑल गुड, इतना प्रॉब्लम नहीं है।